रस्सी जली नहीं कि उधर घंटा ठीक गंगाधर राव के सर पे आके गिरेगा और गंगाधर राव राम नाम सत्य। महाराज, काल सर्प दोष की पूजा के लिए आप मंदिर जा रहे हैं। मेरा आपसे निवेदन है कि आप मुझे भी अपने साथ ले चलें। नहीं रघुनाथ, हम वहां कोई राजसीय कार्य से नहीं पूजा के लिए जा रहे हैं और हमारे विचार से वहां आपकी कोई आवश्यकता नहीं होगी। महाराज, षड्यंत्रकारी आपके जान लेने को प्रयासरत है, सुरक्षा की दृष्टि से मैं आपके साथ रहना चाहता हूं। हम आपकी भावनाओं का सम्मान करते हैं रघुनाथ, यदि आपकी इच्छा है तो अवश्य चलिए। मैं कृतज्ञ हो गया महाराज। महाराज, मैं आपके साथ शिव मंदिर चलने की आज्ञा चाहता हूं। क्या बात है, आज आप सभी हमारे साथ मंदिर आने के लिए अनुरोध कर रहे हैं। महाराज, परिस्थितियां ही ऐसी हैं और झांसी आपसे है, आपके बिना झांसी नहीं रहेगी। हम धन्य हो गए नरसिंह राव जी, आप जैसे शुभचिंतक हमारे साथ हो तो कोई हमें छू भी नहीं सकता। अवश्य आप भी हमारे साथ चलिए। क्षमा कीजिए महारानी साहेब, आपने कहीं जाने का निर्णय लिया है? हाँ, हम हर परिस्थिति में महाराज के प्राणों की रक्षा करेंगे। इस षड्यंत्र में कौन कौन शामिल है इसका पता लगाना आवश्यक है। हम काली माँ के मंदिर जाकर काला जादू करने वाले के बारे में साक्षी ढूंढेंगे। तुम अन्य दासियों को लेकर शिव मंदिर जाओ और अपनी दृष्टि महाराज पर बनाए रखना ताकि उनका कोई अहित न कर सके। जो आज्ञा महारानी साहेब, हम अपने प्राणों की आहुति दे देंगे परंतु महाराज के प्राणों पर आज तक नहीं आने देंगे। इसका अर्थ ये है कि महाराज के ऊपर कोई काला जादू कर रहा है। एक ही स्थान ऐसा है जहां इस तरह के अनुष्ठान होते हैं और उस स्थान पर मां काली का एक जीर्ण शीर्ण मंदिर है जहां पर आसपास क्षेत्र से अघोरी बाबा आकर असीमित सिद्धियां प्राप्त करने के लिए अनुष्ठान करते हैं। यहां तो ऐसा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, सिर्फ साधु हैं और तो फिर पत्र भेजने का आशय क्या हो सकता है? महाराज,
महाराज रुपया आ गया है। नागेन्द्र हाराय त्रिलोचनाय भस्मांग रागाय महेश्वराय नित्याय शुद्धाय दिगंबराय तस्मै नकाराय नमः शिवाय। सुनो बेटी, बिना प्रसाद लिए ही चली जाओगी? आपको देखकर ऐसा क्यों आभास होता है कि हम आपको पहले से ही जानते हैं? अब कौन जानता है किसका किसके साथ किस जन्म में क्या रिश्ता था। ये लो। तुम्हारा पति तुमसे बहुत प्रेम करता है, पर अक्सर ऐसे ही सच्चे प्रेम को बहुत बुरी दृष्टि लगती है, और जिनकी बुरी दृष्टि लगती है ज्यादातर वो अपने ही होते हैं। इसलिए अपने पति को ऐसे ही बुरी दृष्टि से हमेशा बचा कर रखना। आप तो यहाँ सदैव आती हैं, तो आपको अवश्य पता होगा कि यहाँ काला जादू होता है। जादू टोना तो बहुत से लोग करते हैं, पर जिनके साथ ऊपर वाला हो उनका कभी भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, और हमारे साथ हमेशा बस एक वही रहता है। हमें कई बार ऐसा लगता है कि हम बिल्कुल अकेले हैं, पर हमारे साथ हमेशा ये धरती माँ और ऊपर वो अंबर रहता है। जब भी हमें ऐसा लगता है कि हमें कोई राह कोई दिशा दिखाई नहीं दे रही, तब हमारे साथ चारों दिशाएं रहती हैं। इसीलिए जब तुम शिव मंदिर जाकर आरती करोगी तो चारों दिशाओं को, ये धरती और उस आसमान को आरती दिखाना भूलना मत, वरना तुम्हारी पूजा अधूरी रह जाएगी। परंतु आपको कैसे पता कि हम शिव मंदिर जाने वाले हैं? जाने वाली नहीं, तुम्हें तो इस वक्त शिव मंदिर में होना चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। संभवतः तुम्हारा घोड़ा तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहा है, देखो तो। Yeah!
महारानी आप? आप कब आई? आइए आइए। अच्छा हुआ आप आ गई, अब साथ में ही आरती करते हैं। पर जिनके साथ तुम पर वाला हो उनका कभी भी कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। इसीलिए जब तुम शिव मंदिर जाकर आरती करोगी तो चारों दिशाओं को, ये धरती और उस आसमान को आरती दिखाना भूलना मत, वरना तुम्हारी पूजा अधूरी रह जाएगी। ये धरती और उस आसमान को आरती दिखाना भूलना मत, वरना तुम्हारी पूजा अधूरी रह जाएगी। We'll be right back.
लक्ष्मी, लक्ष्मी, अरे जाओ, कोई राजवैद्य को बुला के लाओ। जाओ, जाकर जल्दी वैद्य को बुला के लाओ। लक्ष्मी, होश में आ जाओ। लक्ष्मी, इनके कोई समीप नहीं आएगा। हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं। आपने हमें फिर से ऋणी कर दिया। हमारे प्राण बचाने के लिए अपने प्राणों की चिंता तक नहीं की। सदैव संकट मोचन बनकर हमें संकट से उभार रहा है। हम आपको कुछ नहीं होने देंगे, कुछ नहीं। आंखें खोलो महारानी। लक्ष्मी, 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 तुम लोग यहां खड़ी मुंह क्या देख रहे हो? राजवैद्य अभी तक कैसे नहीं आए? महाराज, आप अंदर नहीं जा सकते। तुम हमें रोक रहे हो? झांसी के प्रधानमंत्री को? क्षमा कीजिए प्रधानमंत्री जी, महाराज की आज्ञा है कि उनकी आज्ञा के बिना कोई अंदर नहीं जा सकता। मुझे अंदर जाने दो, मैं महारानी के लिए औषधि लेकर आया हूं। क्षमा कीजिए, हम महाराज की आज्ञा का उल्लंघन नहीं कर सकते। कोई भी अंदर नहीं जा सकता। आपका संदेश महाराज तक पहुंचा दिया जाएगा। आप लोग जाइए। धन्यवाद राजवैद्य जी। चिंता की कोई बात नहीं महाराज, इस औषधि से महारानी को शीघ्र ही स्वास्थ्य लाभ होगा।
आपकी दृष्टि में आपके प्राण अत्यंत स्वस्थ होंगे। पता है हम पर क्या बीत रही थी? आपको कुछ हो जाता तो? अब तो पूरा विश्वास हो गया है, आपके होते कोई भी विपत्ति हमें छू तक नहीं सकती। अच्छा, हमें बताइए कि आपको कैसे आभास हुआ कि घंटा गिरने वाला था? हम जानते हैं जिसने ये षड्यंत्र रचा अवश्य आपको उसकी योजना का पता चल गया था। कौन है वो लक्ष्मी, हमें बताएं। रानी साहब, ये देखिए, हमें ये रघुनाथ जी के कक्ष से मिला। कि उसी विष के प्रभाव के कारण ऐसा हुआ है। रानी साहब, दूध तो काला हो गया। महारानी जी, तात्या दीक्षित के कक्ष से ये शीशी प्राप्त हुई है। संभवतः विष को इसी पात्र में रखा गया। ये तलवार तो प्राणघातक विष में बुझाई गई है। महारानी साहब, ये नरसिंहराव के कक्ष से हमें कीचड़ में सने जूते मिले, ये देखिए। ये पैर के निशान किसके हो सकते हैं?